पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के साथ साथ कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद में जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशी व उनके एजेंट के पास बनवाने का कार्य मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड के साथ सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है, जहाँ पर सभी प्रत्याशी व उनके एजेंट पहुँच कर अपने पास ले रहे हैं, जिससे वह समय से पहले अपने मतगणना स्थल पर पहुंच सके। सभी बातों को ध्यान में रखकर मतगणना स्थल को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस बार कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी प्रत्याशी व उनके एजेंट से अपील की है और साथ ही ये कहा है कि मतगणना स्थल पर उसी व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी जिसकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। ऐसे में सभी से जांच कार्य को कराकर आने के लिए कहा गया है। साथ ही मतगणना स्थल पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या मतगणना स्थल पर न होने पाए। पास बनवाने आए प्रत्याशी व उनके एजेंट्स का कहना था कि हम पूरा पालन करेंगे और हमारा ये प्रयास है कि हम सब मिलजुल कर इस महामारी के खात्मे के लिए काम करें। हाँ, जो मतगणना जो एजेंट बनने हैं उनका हमें परिचय पत्र मिलेगा और कल को जो 2 तारीख में मतगणना है उसमें हमें अपने एजेंट को वहाँ नियुक्त करना पड़ेगा। कोरोना को देखते हुए क्या नई गाइडलाइन? कोरोना को देखते हुए प्रशासन भी सख्त है और जो पार्टी जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने आप में एक प्रकार से अलर्ट है और सैनिटाइजर मास्क की अति आवश्यकता है। कोरोना की जांच कराना भी आवश्यक है? कोरोना की जांच भी आवश्यकता है और जो है ऐसा कोई बीमारी ना हो जैसे कि बुखार खांसी जुकाम, उसको एहतियाती बरतनी पड़े।